कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की टीवी डिबेट में मौत। आज तक के लाइव कार्यक्रम में डिबेट करते समय दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। टीवी पर ऐसे कार्यक्रमों का क्या लाभ जहां किसी की जान ही चली जाए। बेंगलुरु हिंसा में दिखी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती। मुस्लिम युवकों ने मानव चिन्ह बनाकर बचाया हनुमान मंदिर। वायरल वीडियो में हाथ पकड़कर मंदिर को घेरे नजर आए मुस्लिम समाज के लोग। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महंत कोरोना पॉजिटिव। सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, वेदांता में होंगे भर्ती, फिलहाल मथुरा में हैं। दिल्ली के बुराड़ी में बेटी की छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या। मां, भाई और चाचा की बैट से पिटाई। दर्जन भर लोगों ने घर पर किया हमला, पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी में डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में गतिरोध। डॉक्टरों का आरोप, दबाव डालकर काम करवाते हैं डिप्टी कलेक्टर। मायावती बोली, बिना भेदभाव के काम करे सरकार। अमेरिका में H-1B वीज़ा धारकों को राहत। काम पर लौट सकेंगे H-1B वीज़ा धारक। ट्रंप प्रशासन ने पहले से काम कर रहे वीज़ा धारकों को दी काम पर लौटने की छूट। कुल 23 कंपनियों ने दिखाई प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर दिलचस्पी। खुद किराया तय कर सकेगी कंपनियां। खुद खरीदने के अलावा लीज पर ली जा सकेंगी ट्रेनें। दिल्ली जयपुर समेत 12 क्लस्टर में होगा संचालन। राजस्थान में सियासी उठापटक से कांग्रेस को राहत। लंबी खींचतान के बाद आमने सामने हुए सचिन और गहलोत। CM गहलोत बोले, वो एक बुरा समय था, उसे भूलना होगा। रूसी वैक्सीन पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के वैज्ञानिकों ने जताया संदेह, तो रूस का पलटवार। हमारी वैक्सीन पूरी तरह से टेस्टेड, 2 महीने में दुनिया भर में होगी सप्लाई। भारत में बढ़ती जा रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 70,000 मामले आए सामने। 942 नई मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 47,000 से पार। टिकटॉक के दीवानों के लिए खुशखबरी, जल्द ही भारतीय हो सकता है चीनी ऐप टिकटॉक। रिलायंस इंडिया खरीद सकता है ये चीनी ऐप। निष्पक्ष और ताज़ा तरीन खबरों के लिए X24 न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।